स्थानीय पालिका प्रशासन द्वारा मंगलवार को शहर के अनलॉक होते ही बड़ी चालानी कार्रवाई भी चलाई गई, जिसका नेतृत्व खुद प्रशिक्षु आईएएस नम्रता जैन कर रही थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ मिलकर पूरे शहर का पैदल ही निरीक्षण किया और जिन दुकानदारों, ग्राहक व आम नागरिकों ने मास्क नहीं पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। प्रशिक्षु आईएएस नम्रता जैन व प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत की संयुक्त कार्रवाई से नौपरा में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने नगर के गंज रोड, सदर रोड, तर्री रोड व बस स्टैंड स्थित सब्जी बाजार का अवलोकन किया और जो भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए गए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से शहर के अनलॉक के पहले ही दिन पालिका प्रशासन द्वारा सैकड़ों लोगों से लगभग 20,000 रुपए से भी ज़्यादा का चालान काटा गया। दोनों ही युवा अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के होश उड़ गए। हड़बड़ाए लोगों ने जैसे तैसे मास्क लगाना शुरू किया। इस कार्रवाई से नगर के अनेकों बुद्धिजीवी वर्ग ने तारीफ की और कहा कि लोगों को बार बार समझाइश देने के बाद भी लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ऐसे में यह कार्रवाई अत्यंत आवश्यक थी। इस कार्रवाई के पश्चात सबक लिए सभी लोगों ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनना प्रारंभ कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के संबंध में सीओ भूपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पहले ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद आज प्रशिक्षु आईएएस नम्रता जैन के नेतृत्व में बड़ी चालानी कार्रवाई की गई और आगे भी जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अब कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन के मूड में है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। इस कार्रवाई में स्थानीय पालिका से इंजीनियर राहुल थवानी, एके निर्मल, सैनिटरी इंस्पेक्टर अतिक खान, राजस्व विभाग से खेमन दीवान, सफाई प्रभारी दिनेश साहू, धर्मेंद्र साहू, गोपी साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पालिका प्रशासन के कर्मचारी व पुलिस विभाग के जवान मौजूद थे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापरा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय जी यहाँ पर हैं। जी उपाध्याय सर, आज बताइए, जिस तरह से आज लॉकडाउन खुला और काफी भीड़ थी मार्केट में, आप सबके द्वारा जो चालानी कार्रवाई की गई है, किस तरह से सब हुआ, उस संबंध में बताएंगे जानकारी। आज लॉकडाउन खुला, हमारे द्वारा पूर्व में भी कल भी मुनादी करा दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। समस्त व्यवसायी को मीटिंग लेकर के पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था कि व्यवसायी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल आप लोग देखिए और जो भी है बिना मास्क के कस्टमर को आप सामान मत दीजिए, आप अतिरिक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, ताकि क्या होता है अभी वर्तमान में संक्रमण काल में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और कोई भी कस्टमर है, क्योंकि व्यापारी एक दूसरे से आदान प्रदान चाहे सामग्री का हो पैसे को हासिल ही करते हैं, उस स्थिति में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी और उसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद द्वारा आज सुबह से चलानी कार्रवाई की जा रही थी। क्योंकि हमारे द्वारा पूर्व में भी मुनादी करा दी गई थी, आज भी मुनादी करा दी गई है, मुनादी सतत चल रही है, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने आज जो बिना मास्क के थे चालान भी काटे और उनको संबंधित को मास्क मुहैया करवाया। लगभग कितने रुपए की राशि आज चालान के रूप में कलेक्ट की गई? लगभग 20,000 रुपए की चालानी कार्यवाही आज की गई है और यह कार्यवाही कंटिन्यू चलेगी। और हम सभी लोगों से, आम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन करके निकले और यदि आवश्यकता नहीं है तो घरों में ही रहे, अनावश्यक रूप से शहरों में न घूमें। सर, आज के इस चालानी कार्रवाई में कौन कौन उपस्थित हैं जनरली? आज की चालानी कार्रवाई में आईएएस प्रशिक्षु है सुश्री नम्रता जैन जी और मैं स्वतः था और थाना प्रभारी भी साथ में थे और हमारे उसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, हम अन्य जो दो टीम बनाया गया है, एक सब इंजीनियर राहुल थवानी और दूसरा सब इंजीनियर अर्जुन निर्मल, ये सभी पूरी टीम थी। जी सर।